नूह जिला लघु सचिवालय पर पिछले 13 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर धरने पर बैठी हुई हैं। आज भाजपा जिला अध्यक्ष धरना स्थल पर पहुंचे। जिला अध्यक्ष ने धरना समाप्त कराने की मांग रखी। आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्परों ने कहा कि आप हमारी मांगें पूरी कराइए, धरना अपने आप समाप्त हो जाएगा। नूह जिले की आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर जिला लघु सचिवालय पर पिछले 13 दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। आज धरने का 14वां दिन था। आज धरना स्थल पर भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल अपने दल बल के साथ धरने को समाप्त कराने के लिए पहुंचे, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्परों के आगे भाजपा के जिला अध्यक्ष की एक नहीं चली। पहले तो आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर ने जिला अध्यक्ष की बातें सुनी तो जिला अध्यक्ष ने कहा कि आप धरना प्रदर्शन को आज समाप्त कर दीजिए, सरकार के सामने आपकी सभी मांगों को पहुँचा दिया जाएगा और उन्हीं सभी मांगों को मान भी लिया जाएगा। लेकिन पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्परों का गुस्सा उस समय सातवें आसमान पर पहुंच गया जब भाजपा नेता ने उनसे धरना समाप्त करने की बात कही। सभी आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर एक सुर में कहा कि आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हो, पिछले 13 दिनों से पूरे जिले की आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर धरने पर बैठी हुई हैं, आज आप 13 दिन बाद यहाँ पहुँचे हो और आप फिर धरना प्रदर्शन समाप्त करने की बात कह रहे हो, यह कतई भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार से हमारी 20 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाएं, धरना अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि धरना समाप्त करने की बात ना करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला उत्थान की विभिन्न योजनाओं के बारे में गिनाने लगे और कहा कि सरकार महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर जिला प्रधान रितु धारीवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम धरने पर इसी प्रकार से बैठी रहेंगी। आज भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल को अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। यदि सरकार समय रहते हमारी मांगें पूरी करती है तो सही है, नहीं तो यह धरना किसान आंदोलन की तर्ज पर किया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर का कहना है कि सरकार तथा विभाग के सामने 20 सूत्रीय मांगें रखी हुई हैं, जिनमें आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वर्कर्स को 24,000। आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले कई दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं, उनकी कुछ मांगे हैं तो जो ज्ञापन उन्होंने दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन अपनी तरफ से जो कुछ और लिखना होगा लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा। और अभी जैसा मेरी जानकारी में आया, अभी 24 तारीख को आंगनवाड़ी के कुछ लोगों को, महिलाओं को सरकार ने बुलाया है, सरकार उनसे बैठकर के बातचीत करेगी। और जिस प्रकार से मोदी सरकार और हरियाणा के अंदर में मनोहर लाल जी की सरकार काम कर रही है, उसको सब वर्गों का बराबर ध्यान रखते हुए अंत्योदय अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए भी काम कर रही है, और जिस प्रकार से हर ब्लॉक के अंदर में गरीबों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए हर ब्लॉक में मेले लगाए गए हैं, सीएम हाउस से भी उनके पास फ़ोन पहुंच रहा है, प्रशासन की तरफ से भी उनके पास फ़ोन पहुंच रहा है। जैसे जो उनके लगता है कि किसी को जो है गाय भैंस के लोन की आवश्यकता है, उनके परिवार में किसी को बढ़ई की अपने औजार की व्यवस्था है, किसी को खुरनाई के खोके की ज़रूरत है, किसी को ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत है, किसी को और दूसरे कामों की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से मौके पर बैठ कर के ही सबका समाधान किया जा रहा है। 17 डिपार्टमेंट सरकार ने वहाँ बैठा रखे हैं और 10 बैंक भी वहाँ पर बैठ कर के उनको साथ के साथ ही उनकी समस्या का निवारण कर रहे हैं और उनकी आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इनकी आज जो मांग है, मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मांगों को मान करके उस पर संज्ञान लेंगे और उनको पूरा करने का काम करेंगे। महिलाओं जितना काम सरकार ने इसने किया है, आप पिछले 7 साल पहले की अगर बात करें देखें तो महिलाओं के लिए देखिए गैस के चूल्हा उपलब्ध कराना, आयुष्मान योजना के तहत उनको मतलब जो है उनको 5 लाख रुपए का बीमा कराना, इसी प्रकार से और दूसरी योजनाओं के अंदर में अभी जैसे डिलीवरी के ऊपर में पैसे देना, मकानों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये देने का काम, विवाह के ऊपर में 71,000 रुपये देने का काम, और जिन्होंने श्रमिक कार्ड बनवा रखा है उनको 1,01,000 रुपये और देने का काम। इसी प्रकार से अगर किसी की कोई कन्या लड़की उत्पन्न होती है तो उसको भी 25,000 से 36,000 रुपये
तक देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है, कन्याओं के लिए करने का काम कर रही है, तो हमारी सरकार कर रही है। यानी कि बच्चा आप पैदा करो, बेटिया आप पैदा करो और सरकार उसका दसोटन भरे, ऐसी योजनाएं सरकार ने लागू कर रखी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री ने जिन्हें दिया था, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा काम इसमें चल रहा है महिलाओं के लिए और कन्याओं के लिए। जो संभव हो सकेगा बैठ के बातचीत करके बुला रखा है इनको, जो संभव होगा उसमें से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सर धरना का हम यहाँ 8 तारीख से बैठे हैं जी, आज हमारा यहाँ 13वां दिन है और हमारी जो पूरे ज़िले की वर्कर्स हेल्पर्स यहाँ मौजूद हैं और पूरे जोर शोर से हमारा धरना है। हमारे धरने में कोई कसर नहीं है, हम सभी बहुत मतलब परेशानियाँ ले लेकर यहाँ आ रहे हैं। और आज जैसा कि आपने भी देखा है कि बीजेपी के कुछ नेता हमारे मौजूद हमारे बीच में आए हैं, उन्हें हमें संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनकी बातों से हम मान जाएं या हम अपना धरना यहाँ से ख़त्म कर दें। सर उन्हों हमारी एक ही मांग है, एक ही चीज़ है कि हमें लिखित में दे दे सरकार कि आपकी ये मांगे हैं और ये मान ली गई हैं, तब हम यहाँ से खड़े होंगे, इतने हम यहाँ से नहीं हट सकते जी। अगर आपकी मांग अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती हैं तो सर हम किसानों की तरह यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल इसी तरह बैठे रहेंगे और बिल्कुल हम नहीं झुकेंगे। सरकार को हमारे सामने झुकना होगा, हम सब सरकार के आगे नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हमारी मांगे हमारी बातें सरकार को माननी होंगी और ये सुननी होंगी। हम ये जो हमारा धरना है आगे हम इसको और तेज करने की रणनीति बना रहे हैं जी, हम इसको आंदोलन में बदल देंगे जी। सर हमने उनको नरेंद्र पटेल साहब जो हमारे बीच में आए हैं, हमने उनको अपना ज्ञापन दिया है, वो आश्वासन दे के गए हैं कि वो आगे हमारे जो ज्ञापन है उसे पहुंचाएंगे और साहब खट्टर साहब से बात भी करेंगे। आज यहाँ पे हमें 13वां दिन है बैठे बैठे, हमारी जो मांगे हैं सर यही मांगे हैं हमारी, या तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सरकारी कर्मचारी जब तक हमें घोषित नहीं किया जाता जब तक 24,000 हमारी वर्कर को और 16,000 हमारी हेल्पर को, और सर जो हमें ईंधन का पैसा मिलता है वो हमें 400-500 हर मंथ मिलता है, लेकिन जो सिलेंडर है वो आज के डेट में 1,000 रुपये का भरा जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार सिलेंडरों की सप्लाई खुद अपने विभाग द्वारा करवाए, ना कि हम अपने पास से भरवाएं। क्या आप संतुष्ट हैं? कोई संतुष्टि नहीं है जी, पता चलेगा जब हमारी सहमति, हम तो संतुष्ट जब सर जब होंगे, जब हमारी जो मांग है वो पूरी हो जाएंगी और लिखित में हमें जो लेटर